भी हमारा शोरूम आता है और एक कोड हम लोग आपको बताते हैं कि रोशन एंड दीपिका एक कोड ये अगर कोई भी यूज करता है तो उसको हमारे तरफ से 1000 रुपीज का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और ये ऑफर ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड पीरियड के लिए, ये फॉर लाइफ लॉन्ग है। Okay. आपका वीडियो देखे कभी भी कोई आता है और रोशन एंड दीपिका कोड यूज करता था उनको 1000 रुपीज हमारे तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ग्रैब द ऑफर नाउ। रिसेंटली आईपीएल सीजन में आरसीबी को स्पॉन्सर किया है एमपीएल ने। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग रोशन एंड दीपिका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, अगर हम लोग को कुछ चीज के बारे में जानना है तो सबसे बेस्ट रिव्यूज कहाँ मिलेगा, तो रिव्यूज मिलेगा ओनर से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास है एम्पायर का मैग्नस EX, तो इसको हम लोग 1.5 साल से चला रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे। तो जैसे कि हम लोग के पास है एम्पायर का मैग्नस, तो इसके साथ हमारा कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा है उसको आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, तो अगर कोई कोई अगर सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का, तो ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो गाइस, आप लोग को क्या लगता है, क्या हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहिए, और अगर हम लोग को खरीदना चाहिए तो क्यों, इसमें क्या बेनिफिट है अगर हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो चलिए जानते हैं एक एक पॉइंट पॉइंट। तो गैस, सबसे मेन पॉइंट होता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पोल्यूशन फ्री है। तो ये एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन दोनों से फ्री है, तो अच्छी बात है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं सेकेंड पॉइंट में। गैस, तो ये सबसे लो मेंटेनेंस है, क्योंकि जैसे कि हम लोग अगर चलाते हैं पेट्रोल गाड़ी तो उसको हम लोग को हर 3 महीना में एक बार सर्विसिंग करना पड़ता है, उसका मोबाइल चेंज करना पड़ता है और बहुत सारा उसका काम का जरूरत पड़ता है। लेकिन हमारे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में हम लोग को मेंटेनेंस का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैस इसमें कुछ पार्ट्स इतना कुछ लगता नहीं है। हम लोग का यहाँ पे एक बैटरी लगा है और वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है वायर मोटर पे, तो वो चीज़ तो ऐसे भी वारंटी रहता ही है। तो हम लोग का और कुछ यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, बस लाइट इधर उधर, तो बहुत कम मेंटेनेंस पड़ता है। तो ये एक बहुत मनी सेविंग व्हीकल भी हो सकता है। तो चलिए गैस, अभी चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो मैं ये गाड़ी को मनी सेविंग व्हीकल बोलता हूँ, तो क्यों बोलता हूँ आइए जानते हैं। उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा डिस्प्ले मीटर पे। तो देख सकते हो हमारा गाड़ी अभी तक चल चुकी है 11,000+ किलोमीटर। तो अगर हमारे पास कोई पेट्रोल गाड़ी रहता तो आजकल का पेट्रोल गाड़ी तो 35 से 40 आसपास माइलेज देता है, तो उस हिसाब से हम लोग 11,000 किलोमीटर में अभी तक 30,000 का पैसा हम लोग बचा चुके हैं। मतलब 30,000 का हम लोग अभी तक का पेट्रोल खर्चा हुए रहता। तो उस हिसाब से हम लोग जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक कंजप्शन कितना होता है। तो हम लोग को लगभग गाड़ी फुल चार्ज होने में 4 घंटा लगता है, तो 4 घंटा में हम लोग को लगभग 20 रुपीज का इलेक्ट्रिक कंजप्शन होता है। तो 20 रुपीज में हम लोग 80 से 100 किलोमीटर जा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी व्हीकल है। एंड मेरा तो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत भगा चुकी हूँ एंड अभी तक का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अभी ये तो हमारा एम्पियर का मैग्नस मॉडल है, तो अभी शोरूम में बहुत सारा नया मॉडल भी आ चुका है, इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है। तो ज़्यादा जानने के लिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एम्पियर का शोरूम। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए हैं राउरकेला का एम्पियर शोरूम। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पर है। सो गाइस, हम लोग अगर आते हैं राउरकेला तरफ से, तो ये है राउरकेला का पुराना पनपोस्ट ब्रिज। इसको जस्ट क्रॉस करते ही हम लोग को लेफ्ट साइड में मिल जाता है जेपी हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, जेपी हॉस्पिटल का बोर्ड, एंड थोड़ा सा आगे उधर एम्पायर का भी बोर्ड लगा हुआ है। यही रास्ता में जस्ट डाउन में आप लोग को मिल जाएगा एम्पायर का शोरूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग वेरिएंट का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो ज्यादा जानकारी के लिए चलिए जानते हैं शोरूम का ओनर से। सो हेलो सर, तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया था, जो कि मेरा लगभग 1.5 साल हो रहा है। तो मेरा तो अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा चल भी रहा है गाड़ी। तो मैंने सोचा कि अगर किसी को 2-व्हीलर लेना ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो हम लोग कुछ वीडियो बना दे ताकि उन लोग को भी हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो हम लोग वीडियो बना सकते हैं। तो आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम मुकुल कुमार अग्रवाल है। अच्छा, अपना शोरूम को भी अभी यहाँ राउरकेला में 1.5 साल हो गया है। अभी आप देख सकते हैं राउरकेला का हर गली गली कोने कोने में अपना गाड़ी घूम रहा है। तो एम्पियर कंपनी के बारे में कुछ बता दीजिए। कंपनी की स्टार्टिंग 2008 में हुई थी, ये तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। ईवी के इंडस्ट्री में भी 2008 से कंपनी एक्टिव है। ऑल ओवर इंडिया में हमारा 500 से ज्यादा डीलरशिप है। बहुत अच्छा काम करी कंपनी। अपना गाड़ी भी अफोर्डेबल है, प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है गाड़ी का। और आप देख सकते हैं राउरकेला में भी हमारा गाड़ी हर जगह जगह भी दिख ही रहा है। हम लोग 1.5 साल हो गया काम करते हुए, हम लोग बहुत गाड़ी बेच चुके हैं। प्लस सर्विस में भी कोई अपना गाड़ी का अपना कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी होने से हम लोग जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं। जो भी वारंटी रहता है मोटर कंट्रोलर कन्वर्टर चार्जर में,
कुछ भी होने से हम लोग तुरंत उसको सॉर्ट आउट करते हैं। आपको स्टैंड बाय बैटरी हो या मोटर हो, तुरंत आपको अवेलेबल करवाते हैं, चाहे आपका क्लेम हो के आने में भले ही कुछ टाइम लगे। ज्यादा जानकारी आपको हमारी टीम दे देगी, आप उससे बात। सो गाइस चलिए जानते हैं कि एम्पियर में कौन कौन सा मॉडल आता है, तो पूछते हैं भैया से। तो ये एम्पियर में गाड़ी में कौन कौन सा मॉडल आता है? ये हमारे पास तो दो रजिस्ट्रेशन मॉडल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे बीच में है प्राइमस और मैग्नस CX मॉडल, जो कि सबसे टॉप सेलिंग मॉडल है। ये हमारी गाड़ी मैग्नस है जो कि टॉप सेलिंग रही है। इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। यहाँ से ये ऑन करते ही यहाँ डैशबोर्ड पे दिखेगा, ये लो एंड हाई जो है वो हमारी चार्जिंग दिखा रही है गाड़ी की। यहाँ पे बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, ये किलोमीटर दिखा रही है गाड़ी की। गाड़ी स्टार्ट करने का सिंपल प्रोसेस है, की ऑन किए, यहाँ से सेल्फ, यहाँ पे लो हाई बटन है, ये हेडलाइट है, ये अपर डिपर, ये गाड़ी का इंडिकेटर स्विच है, ये हॉर्न है और ये रिवर्स है। रिवर्स इस तरह वर्क करेगा, यहाँ से रिवर्स प्रेस करेंगे देन एक्सीलेटर मूव करेंगे तो ये गाड़ी रिवर्स की ओर जाएगी। अब आते हैं इसके टायर और मोटर की तरफ। इसमें आपको 10 इंचेस की व्हील मिल जाती है और इस साइड में इस गाड़ी का मोटर मिल जाता है। यहाँ पे जो है ये हेडलाइट है, इसमें LED दी हुई है और नीचे यहाँ पे DRL दिया हुआ है। यहाँ पे ये बल्ब यूज नहीं हुई है गाड़ी में, यहाँ पे ये LEDs है और यहाँ पे इंडिकेटर है। इस गाड़ी में आपको दो मोड मिल जाते हैं, लो एंड हाई। हाई मोड में स्पीड मिलेगी आपको 55 की और आपको रेंज मिलेगी 90+, और लो मोड में स्पीड मिलती है 35 की और रेंज मिलेगी 100+ की। अब आते हैं गाड़ी के बोनेट स्पेस की तरफ। ये गाड़ी की बोनेट स्पेस है जिसमें यहाँ यह चार्जर है गाड़ी का, ये स्पेस आपको इतना मिल जाता है गाड़ी का। अब मैं गाड़ी की बैटरी दिखाने जा रही हूँ, उससे पहले ये गाड़ी का फर्स्ट एड एंड ये टूल किट्स। देन यहाँ से ये बैटरी ओपन होती है गाड़ी की, ये रही बैटरी। इसकी बैटरी रिमूवल है तो आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। निकालने का तरीका, ये दो क्लैंप है इसको खोलेंगे, इस प्लग को खोलेंगे, यहाँ से ये बैटरी निकल जाती है गाड़ी की। ये यहाँ से चार्जिंग है, आप यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं गाड़ी को। सो गाइस इस गाड़ी को फुल चार्ज होने में 4 to 5 hours लगते हैं। और अब आइए गाड़ी के कलर्स के बारे में बताते हैं। इसमें आपको 5 colors मिल जाएगा, फर्स्ट व्हाइट, सेकंड ग्रेफाइट ब्लैक, थर्ड है आपका मेटेलिक रेड, फोर्थ है आपका गैलेक्टिक ग्रे और फिफ्थ है रॉयल ब्लू। ये 5 colors में मैग्नस EX आपको अवेलेबल मिल जाएगी शोरूम में। सो गाइस अभी जिस गाड़ी के बारे में जाने वो था मैग्नस EX, तो अभी एक नया वेरिएंट आया है एम्पियर शोरूम में, तो उसके बारे में जानते हैं। तो भैया ये नया मॉडल के बारे में कुछ बता दीजिए, इसका फीचर्स एंड ऑल। जैसे कि मैम देख पा रहे हैं हम लोग का अभी नया मॉडल आया हुआ है प्राइमस, जो कि अभी मार्केट में धमाका मचा रही है। और इस गाड़ी की सबसे बेस्ट खासियत बात की है कि इसमें आपको बेल ड्राइव मोटर यानी कि मिड माउंट मोटर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसका पीक पावर बहुत अच्छा है। जैसे कि आप 0 to 40 आप केवल 4 seconds में आप रीच कर सकते हैं, और साथ में आपको डुअल मैट कलर मिल जाता है, मैट फिनिश मिल जाता है। और जैसे कि हम लोग प्राइमस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 3.8 kW का मोटर मिल जाता है और 3 kW का बैटरी मिल जाता है। और इसका खासियत ये है कि इसका पीक पावर बहुत अच्छा है, काफ़ी 85+ आपको इसमें स्पीड देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको इसमें 22 liters का बूट स्पेस भी मिल जाता है। आगे में देखते हैं कि जैसे लेगरूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और सिटिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है। और इसका जो रेंज कंपनी क्लेम करती है 125+, और साथ ही साथ में हम लोग स्पीड भी बहुत अच्छा है इसका। और इसका जो क्लस्टर हम लोग देखने के लिए पाते हैं आपका, इसमें आपका ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह भी दिया गया है। आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू आप इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में इसमें फास्ट चार्जिंग का भी इसमें ऑप्शन है, जैसे कि आप 15 to 25 ampere का चार्जर में चार्ज करते हैं तो इसमें आपको 2 to 2.5 hours में आपका गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। और इस गाड़ी में आपको देखने मिल जाता है कि यहाँ पे आपको इको और सिटी और पावर मोड मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आपको रिवर्स मोड देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इको में आप गाड़ी चलाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेल्फ मारता हूँ तो यहाँ पे आपका रेडियो आ जाता है और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 50 तक जा रहा है, 48-50 तक आपका इसमें स्पीड रीच कर रहा है। और जैसे आप
सिटी मोड में जाते हैं तो इसका स्पीड और भी बढ़ जाता है, 63 आप इसमें रीच कर रहे हैं। अगर आप पावर मोड में जाते हैं तो इसमें आपका स्पीड ऑलमोस्ट आपका 90 प्लस आपको देखने मिल जाता है। तो काफ़ी दमदार और काफ़ी पावरफुल इसमें आपका देखने के लिए मिल जाता है। और कंपनीज में साथ ही साथ आपको 3 इयर्स की कंप्लीट वारंटी मिलती है, जैसे कि आपका बैटरी है, मोटर है, चार्जर है, कंट्रोलर कन्वर्टर है, इसमें आपको कंपनी पूरा कंप्लीट 3 इयर्स की वारंटी दे रही है। और साथ ही साथ पूरा कंप्लीट गाड़ी में भी आपको 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। अभी हमारे पास अवेलेबल जो कलर है वो अभी हमारा ब्लैक कलर है एंड ब्लू कलर है, और हमारा और 2 कलर आता है जो कि आपको ऑरेंज और वाइट में देखने के लिए मिल जाता है, और चारों कलर आपका डुअल टोन कलर में आएगा, डुअल मैट कलर में। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 2 वेरिएंट है यहाँ पे, तो दोनों के बारे में उसका फीचर्स जान लिए। तो अभी गाड़ी लेने अगर आप लोग आएंगे तो फाइनेंस तो होता ही है, तो चलिए जानते हैं फाइनेंस के बारे में। तो भैया, फाइनेंस का इसका कैसा है? मैं बता दे रहा हूँ, मैं उत्तल कुमार हूँ। डस्ट कंपनी का सर हम लोग जैसे टाई अप है, तो उसमें से हम लोग 2 कंपनी चुने हैं, उसमें जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 चल रहा है, और सबसे लोएस्ट डाउन पेमेंट है 15,000 से स्टार्टिंग होता है, तो उसमें से हम 15,000 लेकर फाइनेंस देते हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग IDFC और L&T में करते हैं, और उसमें से ऑफर भी निकलता है, जैसे फाइनेंस हम लोग लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद फेस्टिवल ऑफर निकलता है, तो ऑफर निकलने के बाद देते हैं हम लोग गाड़ी। जी, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे घर में एक पुराना एक्टिवा पड़ा हुआ है, तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, उसमें से जितना भी आपका एक्सचेंज अमाउंट मिलेगा उसमें से हम लोग लोएस्ट DP लेकर आपको नया गाड़ी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पेट्रोल व्हीकल भी एक्सचेंज हो सकता है? जी जी जी, पेट्रोल व्हीकल आपको एक्सचेंज करके हम, हां एक अच्छा बात है कि पेट्रोल व्हीकल भी एक्सचेंज होकर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं। जी ठीक है। तो भैया, गाड़ी का प्राइसेस कैसा रहेगा? हाँ मैम, देखिए प्राइस तो हर महीना ऊपर नीचे होते रहता है, वैसे ही अगर मान लीजिए आप प्राइस जाना है तो गूगल में सर्च कर लीजिए, नहीं तो शोरूम विजिट करें, उससे से ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो आप लोग के पास ऑप्शंस रहेगा कि यहाँ शोरूम आके विजिट कर सकते हैं? हम लोग उनका शोरूम का नंबर आपको प्रोवाइड हम कर देंगे, आप मेंशन कर दीजिएगा कि जो भी कस्टमर आएगा तो उसमें फोन करके दीजिए। ठीक है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे नंबर, एंड देन स्क्रीन में भी आता रहेगा, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आके विजिट करिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से जानकारी मिले इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, स्पेशली एम्पियर शोरूम के बारे में, एम्पियर व्हीकल के बारे में। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता चला कि एम्पियर का नया मॉडल आया है प्राइमस, तो मैं अभी चाहती हूँ टेस्ट ड्राइव करने। तो ऐसे तो मेरा मैग्मस एक्स है, तो वो तो मैं चला चुकी हूँ, लेकिन मैं नया मॉडल ट्राई करूंगी, तो चलिए जाते हैं टेस्ट ड्राइव पे। और बताइए, आपको गाड़ी चला के कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गाड़ी चला के बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मेरे गाड़ी से तो और इसका एक्स्ट्रा, मतलब पिकअप भी बहुत अच्छा है एंड स्पीड भी बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा चला के। इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई भी लेता है तो उसका एक बैटरी का लाइफ और बैटरी के प्राइस को लेके थोड़ा कंसर्न रहता है, वो आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका बैटरी का लाइफ बहुत ज्यादा रहता है, 7-8 साल आराम से इसका बैटरी का लाइफ रहेगा, और बैटरी में ऐसे भी वारंटी है 3 साल का, अगर 3 साल के अंदर में कुछ भी होता है तो आपको हम फ्री सर्विस देगी, और ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद अगर कुछ होगा, बैटरी में प्रॉब्लम होगा तो आपको बैटरी नया खरीदना पड़ेगा। इसका जो बैटरी होता है इसमें बहुत सारा सेल लगे रहता है, जैसे लिथियम में 150 से 200 सेल लगे रहता है। अच्छा, तो इसका बैटरी जो है ये लिथियम बैटरी है? लिथियम बैटरी है, और लिथियम क्या है जल्दी से कभी खराब नहीं होता है, वो रीयूजेबल हो जाता है, और बैटरी में 150-200 सेल लगा हुआ है, तो कभी भी पूरा बैटरी खराब नहीं होता है, 150-200 में से हो सकता है कुछ सेल खराब हो, तो वो आपका 3 साल के बाद भी, अगर वारंटी पीरियड के बाद भी अगर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको पेड सर्विस मिल जाएगा, थोड़ा मोड़ा कुछ खर्चा में आपका लाइफ बैटरी का 2 साल 3 साल 4 साल और बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर कभी नया बैटरी भी खरीदना पड़ता है तो आपको पुराना बैटरी का बहुत, मतलब 30% तक पुराना बैटरी का आपको वैल्यूएशन भी मिल जाएगा। और एक चीज है, जैसे कि हमारे ओला हो गया, उबर हो गया, स्विगी जोमेटो चलाने वाले जो भाइयों हैं उनका डेली का 100-150 किलोमीटर का रनिंग रहता है, उनके लिए ये गाड़ी लेना तो वरदान स्वरूप है, उनका इनकम डबल हो जाएगा अगर ये गाड़ी वो लेते हैं, क्योंकि 25,000 से 30,000 किलोमीटर अगर ये गाड़ी एक बार चल गया तो गाड़ी का पैसा ऐसे ही वसूल हो जाएगा, और इसका लाइफ इससे कई गुना ज़्यादा ही है,
तो हम तो बोलेंगे गाड़ी लेना पूरा फायदा ही सौदा है, इसको लेने से पहले नहीं लेने का कोई रीजन ही नहीं है। बढ़िया गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ब्रांड भी बहुत अच्छा है, वन इंडिया का टॉप 4 ब्रांड में से एक है। तो आप आइए, कभी भी हमारा शोरूम आइए, विजिट कीजिए, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए, आप खुद देखिए और खुद समझिए। तो ऐसे मुझे ये गाड़ी चला के अभी मुझे ये गाड़ी पसंद आने लगा, तो रोशन एक्सचेंज करे क्या? सो गाइस, मुझे तो ये प्राइमस बहुत ही अच्छा लगा, एम्पियर का, एंड मेरा गाड़ी जो है वो भी मुझे चला के अच्छा लगता है। तो जैसे कि मतलब ऐसे डेली लाइफ में जैसे लेडीज लोग को या फिर कोई भी जैसे रेगुलर जो काम करते हैं डेली लाइफ में, वो लोग के लिए ये गाड़ी परफेक्ट है, क्योंकि पेट्रोल भी बचेगा एंड आप लोग का काम भी बन जाएगा। तो एज एन ओनर, मैं भी एक मैग्मस गाड़ी की ओनर हूँ, एम्पियर का ही, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी एम्पियर का इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं, एंड मैं भी ओनर हूँ एम्पियर व्हीकल की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एंड आप लोग को भी श्योर अच्छा लगेगा। तो हाँ, हम लोग के थ्रू अगर कोई आएगा आपके शोरूम में तो हम लोग के थ्रू कुछ ऑफर मिलेगा आपके तरफ से? जी बिल्कुल, जरूर मिलेगा। अगर कोई भी हमारा शोरूम आता है और एक कोड हम लोग आपको बताते हैं कि रोशन एंड दीपिका, एक कोड ये अगर कोई भी यूज करता है तो उसको हमारे तरफ से 1000 रुपीज का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और ये ऑफर ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड पीरियड के लिए, ये फॉर लाइफ लॉन्ग है। आपका वीडियो देखे कभी भी कोई आता है और रोशन एंड दीपिका कोड यूज करता है तो उनको 1000 रुपीज हमारे तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ओके, थैंक यू। तो हमारे थ्रू कोई भी आएगा तो आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड ये हम लोग हमारे तरफ से ही वादा है एंड सर के तरफ से भी वादा है। सो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग एंड आज का ये ओनरशिप रिव्यू यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, टिल देन बाय बाय।